से हट के कहीं हो जाते हैं तो वो ना हो और ज्यादा से ज्यादा सेवा हो, स्मरण हो। अभी चंद घंटे चंद लम्हे बाकी हैं तो उसके बाद शुरू हो जाएगा। कुछ ना हुआ
तभी आपको नाव में चढ़ने देंगे। बस सोच लियो, स्वीकार है तो मंगाऊ ना चल। अरे ओ पार्वतिया, ये सोचत है तब बदल कर। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हम तुम्हारी तरह एक साधारण मानव है। पूरे दृष्टांत को आप जी के सामने रखेंगे, सामने क्या हो रहा है। प्रभु श्री राम जी के चरणों का चनावर बनाया जा रहा है, जिसको ग्रहण करने से तमाम लोग दूर होते हैं। अभी आप आगे देखेंगे किस तरीके से ये चनावत जो है ये सांसद परिवारों में खुशी लाता है, अनेकों रोगों को दूर करता है। और इसी प्रसंग में जो आगे दर्शाएंगे वो उसका हम आनंद लेंगे। इनके तो भाग करने हो गए, इसलिए सत्संग इन्होंने कहा है कि सत्संग अति आनंद मंद अनुराग चरण सरोज पखारन गागा। इनकी खुशी में हम सारी खुशियां हैं सत्संग देशदा प्रभु चनावत सत्संगत जुगों जुगों से बनता आया है। रोज ऐसी औषधि है जिसके विषय में संग्रहकारी मिशन की बात करें तो ये मान्यता है सत्संग विशाल विशाल कार्य हुए हैं। चमत्कार बात करें सत्संगत हमारे संग्रहकारी मंडल के प्रधान जी डॉक्टर देश राज जी सत्संग को शिताले सत्संग जब भी वो दवा देते थे उसके साथ सरनामन का सत्संग होता है। और सत्संग ये सरनामन इस गोसिक ने पूरे परिवार को सत्संग इसका पान किया, स्नान किया और सत्संग गदगद हो गई। तो सत्संग आप जो देख रहे हैं उसके साथ साथ आज विषय की बात कर रहा है। इस सरनामन को सत्संग सदा भाव से जिसने शरण किया उसके शासन करोड़ों करोड़ों दुख दूर हुए हैं। सत्संगत मुझे भाव नहीं सिद्धि शासन साथ में चल रहे थे तो महिला शासन बीमार हुई, शारीरिक रोग थे तो महात्मा लेके गए चलो मेरा सदगुरु विराजमान है उसके समक्ष का। उस सत्संगत उस समय महात्मा ने कहा कि संतों का सरनामन का सेवन करो, महात्मा को घर बुलाओ, उनके चरणों को विश्वास के साथ सत्संग चरणों का चरणावत बनाओ और ये संस्कार करो, प्रवान करो, परिवार में इसका प्रथावा करो। आपका विश्वास है सत्संग सतगुरु के चरणों का सत्संग तमाम जिसको कहते हैं तमाम दवाइयों का सत्संग मिश्रण होता है। हम कोई टेबलेट्स लेते हैं उसमें लिखा होता है ये इंग्रेडिएंट्स है, इसमें ये है, इसमें वो है, इतने साल्ट है। सत्संग आपके विश्वास का साल्ट है जो सत्संग करोड़ों करोड़ों आपके दुखों का निवारण करता है।